ओके देख आमे लास्ट टाइम पढ़ते आईआर रेंज विषय आज पढ़ुचे तुमर ये जिनसटा आग को जोटा कि ये चैप्टर फिनिशिंग बट टिके सबुठ बेस टाइम ये हिं लगे कौन पाई ना ये सब रिजनिंग क्वेश्चन गुड़ाक रहा तो पखापाखि तीन टा खंडे क्लास लग जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कहली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ओके तो एथरे आमे कौन देखिवा ना एटा देखो को फैक्टर उपरे ला हमर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टा डिपेंड करिवो से कहला आम तो फास्ट रु जाणीचे हुक्स ला हुक्स ला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना नहीं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन आम को ला को यूज करिचे हुक्स ल कथा है से थ्रु आम जानचे न्यू बार इज इक्वल टू वन बाय टू पाई रूट ओवर अफ के पाई मी ओह सी ये गोटे थी वन बाय टू पाई सी न्यू बार लिखी ना से कौन है वन बाय टू पाई सी के बाई म्यूरो रूट ओवर यू आम जानचे के टा हूँ तुम फोर्स कन्स्टाट है ना ना आ गोटे म्यूटा हूँ तुम रिड्यूस्ड मास ओके तो पाठ तुम कौन कहला ये अनुसार ना आमर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बा अब्जॉर्प्शन एटा को जदि आम एमती करवा एटा को मुझे लिखिपर वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू कौन हो जाए वन बाय टू पाई सी रूट ओवर अफ कौन हो जाए के बाय म्यू है एटा को आउट के सोचे दियो सी टा को एपटू नहीं जाओ सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू केते हे जाउची वन बाय टू पाए एटा हे जाउची के आउ मी तो एटा को देख मु सी बाय लैम्डा टा को कौन लिख परबी ना न्यू ला न्यू इज इक्वल टू कौन लिखली वन बाय टू पाए एठे रहला के बाय मी ना ना तो एटा हला तमरो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टा देख न्यू बार टर्म लिखले वन बाय टू पाए सी खाली न्यू टर्म लिखले वन बाय टू पाए ये हूँ फरक तो यही भी आम जापे न्यू बार हो किंबा न्यू हो ला बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये खाली से नुह टू दि पावर के हाफ टू दि पावर के हाफ है ना नहीं तो ये जिनस जापे तो जहाँ भी हेले फोर्सटा बढ़िले अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कौन हो जाए बढ़ुची केटा फोर्स कन्स्टाट बढ़िले एटा बढ़ुची रिड्यूस मासटा कमिले एटा बढ़ुची है तो ये जिनस इनफर्मेसन अच्छी आमर तो आम खाली देखा कथा कौटी इंटराक्शन स्ट्रंग सो दैट फोर्स कन्स्टाट गुड़ाक कौन हो हाई होटा है आमर टार्गेट किंतु आम जानचे यहाँ है थियोरी है ना नहीं तो जो कहली थियोरी थियोरी सब बेले आम जानचे एक्सपेरिमेंटल थिंग्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हम किंतु नॉट इक्वल्स टू हो जाए कौन थियोरिटिकल वैल्यू टिके टिके जमी हेले से कौन हो जाए डेविएट करे हला वैल्यूज ठीक अच्छे तो बर्तमान हला एक्सपेरिमेंट रे कौन कौन ऑब्जर्वेशन है से देखिए कहा कहा जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टा आमर भारी करी को देखा है तो से कौन कहला ना फास्ट फैक्टर टा होची पूरा फास्ट फैक्टर तुम कहला
ଭାଇବ୍ରେସନାଲ କପ୍ଲିଂ। କ'ଣ କହିଲି? ଭାଇବ୍ରେସନାଲ କପ୍ଲିଂ। ଭାଇବ୍ରେସନାଲ କପ୍ଲିଂ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଅର୍ ୟାକୁ କହନ୍ତି କପଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ। ହେଲା, ଦେଖିବା, ମନେ ରଖିଥା, ସପୋଜ ଗୋଟେ CH ବଣ୍ଡ ଅଛି। ହେଲା, ଠିକ୍ରେ ଶୁଣ, ଗୋଟେ CH ବଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇ ବଣ୍ଡଟା ଯଦି ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ମାନେ ତାର କୌଣସି ସହିତ କଞ୍ଜୁଗେସନରେ ନଥିବ, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ କହିବା। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍, ଇଏ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଭାଇବ୍ରେସନ। ତମେ ନିଜେ ଦେଖ, ହେଲା, ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଲି CH ବଣ୍ଡଟେ ଅଛି, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, CHଟା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ନା ଏଇଥିରେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇଗଲା କେଉଁଥିରେ, CHରେ। କିନ୍ତୁ ଭାବ, ଇଫ୍ ତମ ପାଖରେ ଅଛି CH2, ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ବନ ରହିଲା, ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା H ଲାଗିଛି। ହେଲା, ତ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା, ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମେଥିଲିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ହେଲା, ମେଥିଲିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ମେଥିଲିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ପିକ୍ ନ ଦେଖେଇକି ଦେଖେଇବ ଟୁ କପଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ। କ'ଣ କହିଲି, ଟୁ କପଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ। କେମିତି ସେ କପଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ସି, ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଏଚ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଚ୍, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏପଟେ ଇଲଙ୍ଗେସନ୍, ଏପଟେ ଇଲଙ୍ଗେସନ୍, ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ, ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ହେଲା, ସିମେଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହେଲେ ତମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆସୁଛି ନ୍ୟୁ ବାର୍, ଏଇଟା କେତେରେ ଆସୁଛି, 2853 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇନଭର୍ସ। ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ହେଲା, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ଏଇଠି ରହିଲା ତମର କାର୍ବନ, ଏଠି ରହିଲା ଏଚ୍, ଏଚ୍ ଏଇଟା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ କମିବା, ସର୍ଟନିଂ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ବଢ଼ୁଥିବ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ହେଲା, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହେଇଗଲେ ଏହାର ନ୍ୟୁ ବାର୍ଟା ଆସୁଛି ତମର 2926 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇନଭର୍ସ। ତ ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଖୁଛ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଦିଜ୍ ଟୁ। ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ଦିଜ୍ ଟୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ମେଥିଲିନ୍ ପାଇଁ, CH2 ପାଇଁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ କପଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ତା ମାନେ ତମର ଯେଉଁଠି ସିମେଟ୍ରି ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇଥିବ ତାକୁ କହିବ କପଲ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଅଲୱେଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟେ, ଏମିତି କଲି, ଅଲୱେଜ୍ କ'ଣ କହିଲି ନା ତମର ନ୍ୟୁ ବାର୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି ନ୍ୟୁ ବାର୍ ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ହେଲା, ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ନ୍ୟୁ ବାର୍ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ। ତାର ନ୍ୟୁ ବାର୍ ବା ନ୍ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ,
कमे भाइब्रेशनल चेंजटा मे और मे नॉट लीड टू डाइपोल मोमेंट किंतु एठी एंगुलर अच्छी बोली हो जाउछि हला तो एई केस रे डाइपोल मोमेंट चेंजटा कौन हो लेस एठी डाइपोल मोमेंट चेंजटा कौन हो जाउछि अधिक मैंने यहाँ कमला बेलू पढ़ुची ये दुटा जाक बढ़ुंट जदि सामान सामान बढ़े बहुत कम डाइपोल मोमेंट चेंज हम है ना ना से कौन हो जाए तुम यार वैल्यूटा सब कम आसे बुझेगा यहाँ जापार तो अच्छा यहाँ कपल्ड वाइब्रेशन रे खाली एति की नुह आहरी बहुत सारा अच्छे तुमको तार गोटे कि एग्जांपल दौचे ताल जापर भल केमी होपटे मु रखिली सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है यपटे रखुची आसीमेट्रिक स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ओके बर्तमान कथा है यटा को देख कौन कहली मु सपोज सी एच टू नहीं एच एच सिमेट्रिकल यहाँ केमती मुव होमती यहाँ केमती मुव होमती हम तो या न्यूबार्टा आ अठाईस बास्तरी सेंटीमीटर इनवर्स एबे जस्ट जोटा लिखी थी तुम के अठाईस तेपन बड़े कंपाउंड नहीं कि एपटे भी किसी जिनस लगे ना आप्रोक्सीमेटली एतिक आसे है आसीमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो तो से क्यारेक्टरीस्टिक्सटा एमती एपट को गोटे कमिले यहाँ गोटे एपट को बढ़ु तो यहाँ आप्रोक्सीमेटली आसे 2962 सेंटीमीटर इनवर्स रे हेगला बर्तमान देख दीटा जदि ये अच्छे गोटे इस्टर कार्बोनिल माने एमिकिया देख सी डबल बंड ओ अच्छे ये गोटे ओ अच्छे ये गोटे सी डबल बंड ओ अच्छे 1,3 डाइकिटोन हम मझे किए थोटा कौ थे देखा जास्टर ये टाइप देखा जापे किटो इस्टर्स रे नाटा कौ थे देखा जाम अनहाइड्राइड्स अनहाइड्राइड्स जेनराली एगुड़ाक कौन था अनहाइड्राइड्स सेमती नुह कि खाली अनहाइड्राइड्स अनहाइड्राइड छड़ा भी यहाँ अलग किसी कंपाउंड हो पारे ना तो यहाँ जेनराली आसे 1760 सेंटीमीटर इनवर्स एगुड़ाक कहीं कौन ना एग्जांपल पड़ी थी ठीक अच्छे तो तुमको एटा देमती तो तुमको सपोज पचार ये भैल्यूटा एम दे 1800 तो तुमको पचार दीटा भितर कौ भैल्यूटा सिमेट्रिक कौटा आसीमेट्रिक स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक आसीमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौटा कौटा आइडेंटिफाई कर तो केमी कर जाणी सीना पाठटा आमे कौन कही सब बड़े बड़ भैल्यूटा कापी हम जो जोटार बड़ जो आसीमेट्रिक थी अच्छा से देखे पचारदे आसीमेट्रिक कौटा आसीमेट्रिक कौटा तो यहाँ तो मुझे जानी परीक्षा यहाँ देख ली बड़ यहाँ हो कौन आसीमेट्रिक एक जाणीगली सीना यहाँ कौन सिमेट्रिक एक जाणीगली स्ट्रेचिंगटा देखेबी के सिमेट्रिक मान य आउ ये जाऊर को जाऊ इलंगेसन होटा इलंगेसन होटा कमिले यहाँ भी कमु किंतु आसीमेट्रिक रे कौन होदि गोटे इलंगेसन हो गोटे कौन हो सटेनिंग बुझे ठीक अच्छे तो ये जिनसटा आ कौरे देखिपर देख सपोज मुझे गोटे NH2 ग्रुप नी ये एन रखिली एपटा छाड़देली एपटे जी भी लगू मोर ये अच्छी एच एच हम ये एन कली तार भी एच एच देखेदेली बर्तमान कथा है यहाँ सिमेट्रिक साइड रे ऑब्जर्वेशन करुच्ची अराउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स रे किंतु ये के तरह करुच्ची ना 3400 सेंटीमीटर इनवर्स रे
तो देख एटा सिमेट्रिक माने एटा जदि एंदे आवे जाउथुबो एटा भी जाउथुबो आवे इलोंगेशन एथरे असिमेट्रिक माने एटा एमति आस्तले एटा केमति जाउथुबो एमति ए देखेबा को पडिबो आरो जदि पचार थाए तंकर ताको ठीक रे देखु था वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लेखिया को न पड़ी पारे किंतु एटा तो लेखिया को पड़ी परिबो जे कौन कोटार बड़ वैल्यू कोटार छोट वैल्यू सेटा तो देखा को कही पारे ओके एन एच टू ग्रुप कथा गला तापर एमती कहली एन ओ टू कली एन एपटे जी लगुच लगू ये मोर कौन थी डबल बंड ओ ये थिला सिंगल बंड ओ माइनस बा कोऑर्डिनेट बंड ओ है सिंगल बंड देखिए ये गोटे प्लस माइनस दे पार ना एमती भी करदे पार ना प्लस माइनस दि कहीं आम ये पुणी आरो देखेबा ना इलंगेसन तो यहाँ एमती था प्लस यहाँ कौन हो माइनस ये भी सेम टाक रखिले यहाँ प्लस यहाँ माइनस बर्तमान देख यार वैल्यू के आसूची ना माइन आप्रोक्सीमेटली 1350 सेंटीमीटर इनवर्स स्ट्रेचिंग माने कौन है ये बनटा एआडे जाए बनटा एआडे जाए यहाँ है आसीमेट्रिक सपोज यहाँ एआडे आसला यहाँ कड़े जाए हाँ तो या वैल्यू के ना ये 1350 है बेलू ये 1550 सेंटीमीटर इनवर्स तो बड़ अच्छे ना ना वैल्यूटा ओब्विस्ली बड़ अच्छे है नाइट्रो ग्रुप कल सपोज जन एसओ टू ग्रुप नहींपटे एंदी रहा सल्फर छटा बैलेन्स दीटा देखली आउ दीटा एमती थे हूँ तो यार अब्जर्वसन आसे 1150 सेंटीमीटर इनवर्स पखापाखि तो ये सिमेट्रिक देखे मैंने यहाँ आवे हेले यहाँ कौन है आवे तो मुझे अनसिमेट्रिकाल केमती देखेबी एमती डबल बंड ओ डबल बंड ओ एमती यहाँ एठिक आनली एटा एठिक नहींगली तो यहाँ कौन हो ना 1350 सेंटीमीटर इनवर्स अब्जर्वसन करोक्सीमेटली हूँ तो देखु डिफर सब केस्रे आसीमेट्रिक गुड़ाक कौन अच्छी हायर रे अच्छे ला आ गोटे कली सपोज कार्बोनेट बा एटा सीओ माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड देख सीओ माइनस अच्छी तो एटा आप्रोक्सीमेटली केते हे जाउची 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तो एटा सिमेट्रिक माने एमती गोटे कर देली हला एटा देख सी एठे कौन हे जाउची डबल बॉन्ड एटा हला ओ माइनस तो एटा जदि इलंगेट हम एटा कौन होटा कि उल्टा भी करपर कि असुविधा ना तो ये आप्रोक्सीमेटली वैल्यू के 1600 सेंटीमीटर इनवर्स हो देखिपार यहाँ फास्ट फैक्टरटा केमती अफेक्ट कला जे तुम पाखे जदि कौन अच्छी जदि तुम पाखे सिमेट्रिक आसीमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑप्शन रहिला ताहले तमे डायरेक्टली असाइन कर पारिबो जोटा बड़ वैल्यू थिबो सेटा हेथिबो तमरो आसीमेट्रिक स्ट्रेचिंग पे जोटा छोट वैल्यू हेथिबो दैट विल बी फॉर कौन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हबो एबे चलो जिबा सेकंड फैक्टर हला फैक्टर नंबर 2 फास्ट फैक्टरटे कौन कहले कपुल्ड वाइब्रेसन युव गुड़ाक कपुल्ड सिमेट्री आसीमेट्रिक गुड़ाक कपुल्ड वाइब्रेसन है बर्तमान कहूँ हाइड्रोजेन बंडिंग केमिति अफेक्ट करे ये को आईआर अब्जर्वसन को हाइड्रोजेन बंडिंग ओके हाइड्रोजेन बंडिंग जो आईआर अब्जर्वसन केमिति अफेक्टेड हो देख ओके देख ये कौन कहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोयर्स अब्जर्वसन फ्रीक्वेंसी कौन कहला लोयर्स अब्जर्वसन फ्रीक्वेंसी कहीं लोयर करे सेटा कहुछ ठीक है खाली दि चारटा पॉइंट लिखी दिए से गुड़ा को ही गोटे क्वेश्चन आकार रे डिस्कशन कर दबा ला सो क्वेश्चन टा भी रेडी हो रीजन भी जानी जानज कौन कौन हो जानज।
अच्छा बर्तमान कथा हला इथरे आउ कौन कौन चेंज है ना द शेप ऑफ बैंड चेंजेस बैंड रो शेप टा भी चेंज है हला जनरली कौन है जाए शार्प थाए है जाए ब्रॉड शार्प रु कोठी के है जाए चेंज है जाए ब्रॉड ओके आउ कौन हुए ना इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड कौन हो ठीके भाव गोटे ढाबा नहले मार इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड कौन है जाए ना इंक्रीजेस हला इंटेंसिटी टा कौन है जीवो इंक्रीज कर जीवो तमाने द बैंड बिकम्स कौन है जाउची मोर इंटेंस कौन कहली मोर इंटेंस हला तो देख कौन है गला अच्छा जदि एटा हला आमे कहि परिबा कि गोटे स्टेटमेंट एंदे कहि परिबा जे द स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर इज द अब्जॉर्प्शन शिफ्ट ला अब्जॉर्प्शन शिफ्ट कुआडे हबो अधिक हबो कोठु कुआडे आमे कहुचे ना जे लोयर हे जाउचे त कुआडे कहबी टुवर्ड्स टुवर्ड्स लोयर ला वेव नंबर आ लोयर न्यू बार फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू जोटा ओरिजिनल वैल्यू थिबो ता थारु लोयर साइड को से शिफ्ट होची तो एटा काहे की होची केमिति होची देखिबा देखिबा पूर्वरु गुट्टी जस्ट खाली लाइन एग्जांपल गोटे कहिले जानी परिबा केमिति लोयर होची केमिति हायर होची तो आगो को आमे ताकु एक्सप्लेन कर परिया बुझी परिबा ओके देखो कोन कहिला ना एमिति सपोज तुम पाखरे एटा अछि एग्जांपल टा हला मु कहली फ्री ओएच ग्रुप हम कहली फ्री ओएच ग्रुप माने एथरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नथिबो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हला तो एई केस रे अब्जॉर्प्शन टा तमरा केते आसुची ना शार्प पीक आसुची हला रीजन टा केते रु केते आछी ना 3590 to 3650 सेंटीमीटर इनवर्स ए भितरे आछी ओके किंतु ए सब जिंस कोन होउची ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटा को एबे देखिबा हला क्वेश्चन टा एमिति पडी थाय मा क्वेश्चन टा लेखि दिए तो आंसर टा बुझे देबे ठीक अछि क्वेश्चन टा तमर एमिति पड़ी थिबो जे एटा व्हाई डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोयर्स द अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी द अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ला आउ कौन है थी वो एंड इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंटेंसिटी टा बढ़ी जाउची ला आउ तमरा कौन अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी टा कमी जाउची काहीं की ला ये जिनस टा जानिबा को हेले तुमको टिकिया आमे कौन करिबा
हाइड्रोजन बॉन्डिंग रो प्रीव्यू टाकु देखिबा बा पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन टाकु टिके देखिबा। देखो मु एठी लिखिछि आर ओ एच गोटे अल्कोहल निच तो एठी जो ओ एच टा अछि ये कोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करछि नाही तो एटा हला तमरो फ्री ओ एच बॉन्ड। ओके फ्री ओ एच बॉन्ड आम यार अब्जॉर्प्शन देखुचे है तो केमिति ना जदि यहाँ गोटे अल्कोहल बहुत सारा मॉलिक्यूल था तो देख मुटा गोटे लिखिली आर ओ एच एमती गोटे बड़ बॉन्ड कहीं कौन हो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्या सहित ऑक्सीजन अफ कहार आउ गोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल तो ये देखेदेली तो यहाँ कौन हो मोर ना इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कौन हो गला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कथा बुझेगा। अच्छा देख ये जिनसटा आसला केमी तुम पाखे यहाँ थिला या सहित जोबले आउ गोटे अल्कोहल रो ओटा आसुची पाख को तो यांका भितरे अट्रैक्शन बढ़ी एटा नथिला एठी अट्रैक्शन बढ़ला सेटा एमती है तो अट्रैक्शन बढ़ापाई एजटा कुआडे मूव करवा दरकार टुवार्ड्स ऑक्सीजन जदि टुवार्ड्स ऑक्सीजन मूव कर ओ एच बॉन्डटा कौन हो मैंने यहाँ थिला एठी बर्तमान मूव करी पल आसला हला ताहले एई ओ एच बॉन्डटा कौन हो जाउची जहा थिला ताठु बड़ हो जाउची हला तो एठी मु कहि परिबी एई बॉन्ड लेंथ कौन हो जाउची ना इनक्रीजेस हला बॉन्ड लेंथटा कौन हो गला इनक्रीजेस। अच्छा बॉन्ड लेंथ इनक्रीज हेले बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन हो जाए डिक्रीज हो जाए तो मु लेखि परिबी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बॉन्ड रो स्ट्रेंथ ओ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन हो जाउची डिक्रीजेस हला ओ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन हो गला डिक्रीज कर गला जदि ओ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ रा डिक्रीज कर गला ताहले आमे एया कहि परिबा कि जोटा देख बर्तमान स्ट्रांग बॉन्ड थिला आगरु स्ट्रांग बॉन्ड जोगु सपोज से 1500 रे अब्जॉर्प्शन करे बा 3000 रे अब्जॉर्प्शन करे बर्तमान बॉन्डटा कौन हो गला वीक तो ताकु कम एनर्जी देले से अब्जॉर्प्शन कर दे परिबो हला तो सेथिपई एठी कौन लागिबो कम एनर्जी माने 3000 रु कौन हो गला कम 3000 रु कम 2800 हो पारे 2500 हो पारे तो तुमरो अब्जॉर्प्शन वैल्यूटा कौन हो जाउची लोअर हो जाउची हला तो यार रीजनटा कौन बॉन्ड स्ट्रेंथ कमी गले आमे कही पारिबा फोर्स कांस्टेंट के टा कौन है गला डिक्रीजेस आमे जानिचे न्यू बार इज प्रोपोर्शनल टू के कौन न्यू बार और न्यू इज प्रोपोर्शनल टू कौन है जाउची के पकेट दुबार हाफ पे कर पर नो प्रॉब्लम हला जदि के टा डिक्रीज करूची एटा कौन हेथिबो डिक्रीज ताले एटा कौन हेथिबो डिक्रीज सो न्यू बार कौन हो जाउची डिक्रीजेस न्यू बार डिक्रीजेस माने अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी टा कौन हो गला लोअर सो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बिकम्स लोअर एटा ही तो क्वेश्चन थिला अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी टा कमी जाउची बोली बुझिपार किंतु कथा हैला पुणी तापर लाइन में कही इंटेंसिटी टा इनक्रीज हो जाए कौन कही इंटेंसिटी टा इनक्रीज हो जाए इनक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ता माने जदि आगरु आईआर रो पिक टा एमिति आसी थिला हला वर्तमान एटा एमिति हो जिवो हला सेम पोजीशन रहिला किंतु हाइट टा तार बढ़ी जाउछि कौन पाई ना देख एठी आगरु जेतेबेले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नथिला ए बॉन्डटा कोन थिला स्ट्रांग ठीक अछि सपोज तुम पाखरे 100 टा मॉलिक्यूल अछि 100 टा मॉलिक्यूल रे एठी अधिक एनर्जी दरकार होतला तो से माने एक्साइटेशन स्टेट को जाउथिले केतरा मात्र 20 टा कमे बहुत एनर्जी दरकार ना एते एनर्जी आमे प्रोवाइड करबा
तो मात्र कम संख्या रे जाउचंती कोठी कि एक्साइटेड स्टेट को जेते कम जिबे इंटेंसिटी कोन हे जिबा सेते कम किंतु जेते अधिक मॉलिक्यूल एक्साइटेशन हेबे बा अब्जॉर्प्शन करिवे इंटेंसिटी सेते बढ़िबो। बर्तमान देखो एई केस रे ए बॉन्डटा कोन हे जाइछि वीक, आगर 20टा मॉलिक्यूल अब्जॉर्प्शन करबा थले स्ट्रांग बॉन्ड जोगो, एबे कोन हे जिबो 80टा मॉलिक्यूल अब्जॉर्प्शन करिवे हला। जेतेबेले 80टा मॉलिक्यूल अब्जॉर्प्शन करिवे तो अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी टा कौन हम ओब्वियसली बढ़ जीव है। तो आम यहाँ कहीपर जे अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी बिकम्स लोअर, सो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन अब्जॉर्ब इजिली, हम कैन अब्जॉर्ब इजिली, जदि से इजिली अब्जर्व कर दोची ताहले आमे कही परिवा कि जे मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, सो इंटेंसिटी जत्ते अधिक एक्साइटेशन हब इंटेंसिटी ऑफ अब्जर्प्शन कौन है जीवो ना इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ अब्जर्प्शन इंक्रीजेस हवा, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन कौन हो जाउछि इंक्रीज हो जाउछि बुझेला। तो ये डायरेक्टली कह दे पारिबो ए जो फोर्स कांस्टेंट लिखिथिला सेई सहित गोटे जिनस एंड लिखि पारिबो ओवरऑली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड, कौन कहले स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस है। जदि स्ट्रेचिंग हो जीवो बॉन्डटा कौन हो जाउछि वीकर हो जाउछि एंड वीकेंस द बॉन्ड, वीकेंस द बॉन्ड, बॉन्डटा को कौन कर दोउछि वीक कर दोउछि हब बुझेला ना नहीं। अच्छा आउ टिके कथा कहिबा, आमे कहुथिले जे स्टार्टिंग रु एटा सपोज स्टार्टिंग रु एमिति पिकटा थिला हला, एमिति थिला इंटेंसिटी कम थिला शार्प थिला, किंतु एबे हाइड्रोजन बर्निंग परे इंटेंसिटी बढ़ी गला किंतु इटा आउ शार्प न रही ब्रॉड हो जाउछि काहेकि सेटार रिजनटा देख हला। आमे जानिचे मन रखिथा इटा कौन हुए ना मन ए जो ब्रॉडनेस डिपेंड्स अपॉन कहा ऊपर इटा डिपेंड करुची ना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने देखो ठीक है, देखो मो पाखरे गोटे आर ओ एच अच्छे, मु एटा को जदि गोटे आर ओ एच सहित हाइड्रोजन बॉन्डिंग करौची तो एई भीतर गोटिए मात्र रही परुची हला। किंतु जदि मु एटा बदल रे आर ओ एच न मिसे कि आर ओ एच टा को वाटर सहित मिसौछि हला, तो एमिति हे जो मु एमिति करली आउ टिके भल रे देखिया पई एमिति भी कर परिया हला। देख मु लेखिली एटा ओ एच आर या सहित वाटर रो एच गुडा क ये कर परिबे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हना नाही हला, एच गुड़ाक कर पाले पुनी एपटे कौन अच्छी एच या सहित वाटर ओटा भी एक्सटेंशन कर परिबो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एठी केते हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेलानी गोटे वाटर मॉलिक्यूल दुईटा वाटर मॉलिक्यूल सहित से कौन कर पारछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
है तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन हो इनक्रीज हो इनक्रीज हेले एठी आमर कौन हो ना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन हो इनक्रीज हो तो यही केस रे इटा गोटे पर्टिकुलर वैल्यू रे ऑब्जर्व न करी गोटे रेंज रे ऑब्जर्व कर भितर कौ भी एनर्जी देले हो आउ शार्प रही कहीं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अधिक हो जाए ना यही केस रे कौन हो गोटे मात्र किंतु एठी केते केते हाइड्रोजन बर्निंग है दीटा तो यही सब रीजन जो तार ब्रॉडनेसटा भी कौन हो इनक्रीज हो जाला तो से कौन कहला हाँ जे ब्रॉडनेस डिपेंड्स अपन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बर्निंग है तो से कहला जे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स वाइड पिक है ताल देख लठ गोटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची से कौन थी से पाखापाखी शार्प रहा किंतु जितेबाला एटी दि दीटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ी जाऊँगी ये कौन हो थुंटा ब्रॉड पिक देख बुझेला एतिकी थिला तमरो कहा विषय रे पाठ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विषय रे ठीक अच्छे आ गोटे फैक्टर कथा कह गोटे फैक्टर थर्ड फैक्टर को जाऊँ ठीक अच्छे देख थर्ड फैक्टर रे कौन अच्छी ना थर्ड फैक्टर टा आम कहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ अच्छा यही ऊपर गोटे क्वेश्चन थी सपोज एम पचार बिटवीन अल्कोहल कौन कहली बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर है हुई विल शो मोर ब्रॉड पिक एंड व्हाई यार आंसर मुझे बुझेदेली तुम निज लांगुएज लिखिकी मत शो कर देखा केतज सीरीयसली वीडियो देखु ठीक अच्छे ओके एवं जाऊे थर्ड फैक्टर सेटा तुम कौन हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है से कौन कहला देख से कहले जदि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनक्रीजेस एटा गोटे ठीक रे बुझ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनक्रीजेस बिटवीन टू बॉन्डेड आटम्स है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करदे भी भल होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस माने गोटे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गोटे लेस यहाँ कथा कौन है तो बिटवीन टू बॉन्डेड आटम्स दुटा बॉन्डेड आटम भितर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेन्सटा बढ़ला ताहले देखो आमे कही पारिबा कि पोलारिटी इनक्रीजेस माने गोटे उपरे अधिक प्लस गोटे उपरे अधिक माइनस हम पोलारिटी माने डेल प्लस डेल माइनस रो मैग्नीट्यूड हम इनक्रीजेस जदि डेल प्लस डेल माइनस रो मैग्नीट्यूड बढ़िबो अट्रैक्शन बिटवीन द टू अट्रैक्शन बिटवीन टू आटम्स कौन इनक्रीजेस है अट्रैक्शन बढ़िले आम कहीपर कि बॉन्ड लेंथ शॉर्टेन्स अट्रैक्शन माने दुटा जाक अट्रैक्शन एठी गोटे आटम अच्छे एठी गोटे आटम अच्छे यहाँ भितर अट्रैक्शन बढ़ तो से आए जी ना पाखक आसिले बॉन्ड लेंथ टा कौन हो डिक्रीजेस बा शॉर्टेन्स है बॉन्ड लेंथ शॉर्टेन्स बुझेला हाँ जदि बॉन्ड लेंथ टा शॉर्ट हो
ताहले फोर्स कांस्टेंट कौन हम इनक्रीजेस हम सो मुझे फोर्स कांस्टेंट के कौन है इनक्रीजेस आम जानचे पुणी न्यू बार प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर हाफ खाली के लिख कि असुविधा ना के सहित कौन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छी जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ताहले आमे कही पारिबा कि जे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीटा कौन हम इनक्रीजेस एमती कहीदबा वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू बार कौन है इनक्रीजेस तो अब्जॉर्प्शन टा एबे हायर रे हम ना लोअर रे ओब्वियसली हायर रे हम अच्छा ए सबुर मूल रे कौन रहिला कौन बुझिला एते सब जिनसर ना एटा बुझि पाले कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाइपोल मोमेंट चेंजेस डाइपोल मोमेंट चेंजेस मोर हला डाइपोल मोमेंटा बेसी चेंज हो जाए से तुम अब्जॉर्प्शन टा कौन हो चेंज हो जाए अच्छा बर्तमान आम कह इंटेंसिटी विषय अच्छा आम जानचे इंटेंसिटी रो गोटे प्रकृति अच्छी यहाँ सब मन रखी था नोट करके रखिदे था ये पॉइंटा सब इंटेंसिटी को इवैल्युएट करिवारे हेल्पफुल हम कौन इंटेंसिटी रो प्रकृति ना यहाँ है ता प्रकृति कौन ना अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मु लैंग्वेज रे लिखुनी कहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डाइपोल मोमेंट रो स्क्वायर है तो ये मुझे लिखिदेली डेल्टा म्यू इज इक्वल टू चेंज इन डाइपोल मोमेंट कौन कहली डाइपोल मोमेंट रो चेंजटा है कि म्यूटा हूँ डाइपोल मोमेंट रो सिंबल डेल्टा म्यू कौन है थी चेंज इन डाइपोल मोमेंट से कहला डाइपोल मोमेंटा जिते अधिक चेंज हम डेल्टा म्यू रो स्क्वायरटा कौन हम से अधिक तो तुम इंटेंसिटीटा कौन होते प्रोपोर्शनल बढ़ी जा हला तो ई डेल्टा म्यूटा पुणी कहा उपरे डिपेंड करे ना डिपेंड्स अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू बॉन्डेड आटम्स दीटा जो बॉन्डेड आटम अछंती तांकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उपर एटा डिपेंड कर हबा बुझेला तो ताहले आम कौन कहपर लार्ज डाइपोल मोमेंट माने कौन अधिक डेल्टा म्यू है तो लार्ज डाइपोल मोमेंट लीड्स टू कौन है बा गिव्स स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन ला? तो गोटे एग्जांपल देख तुम पाखे धर अच्छी एच सी एल आ गोटे अच्छी एच एच ये डाइपोल मोमेंट के जीरो तो यहाँ कौन है आईआर इनआक्टिव है यहाँ डाइपोल मोमेंट अच्छी नॉट इक्वल्स टू जीरो सो यहाँ कौन है आईआर एक्टिव किंतु आमर कंपैरिजन कौन आईआर एक्टिव आईआर इनआक्टिव भीतर थी ना आम ये जोटा पढ़ुचे से एच एफ एच सी एल एच बी आर सपोज ये तीन टा भर अच्छे तो ये भी आई आर आक्टिव ये भी आई आर आक्टिव ये भी आई आर आक्टिव किए स्ट्रंग अब्जॉर्प्शन दब आम जानचे यार 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटा 2.1 एटा 2.1
ला बर्तमान एटा हूँ फोर एटा थ्री पॉइंट फाइव एटा थ्री गला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एठे के आस पॉइंट नाइन ई एन डिफरेंस के आस पॉइंट नाइन एटि के आस टू पॉइंट वन रु ये थ्री पॉइंट वन 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 पॉइंट फोर ये के आस ओनली पॉइंट नाइन ला तो पाठ एवं कौन कहला जो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यार न्यू बार इज ग्रेटर हाईएस्ट हाँ ना ना ये कौन होटा हो सीक्वेंस बुझेगा आ गए जेनराली यही कैटेगरी रे आ गए क्वेश्चन टाइम पड़े प्राय टाइम कौन क्वेश्चन टा पड़े ना ये भाया पड़ थ देख सपोज एटा गोटे क्वेश्चन कहीदेली पी वन है पी टू रे एमती सपोज पड़ी जे दे जे एटा आलकेन आलकिन आलकाइन आलकेन आलकेन एंड आलकेन ए तीन टा भीतर कहार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टा अधिक रहिबो ला को स्ट्रेचिंग हुईच बा राइट एंड कर दियो राइट स्ट्रेचिंग अब्जॉर्प्शन बा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ला तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर टा केमिति पाई परिबो हाँ बड़ सान कि सान रु बड़ जहाँ लिखाप चाहिए तुम इच्छा लिख किंतु सिक्वेन्सटा दरकार ना तो आम जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाणीवा तेल आम कहीपर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानवापी कहार आलकेन आलकिन आलकाइन रु कहार इलेक्ट्रोनेगेटिविटीटा हाएस्ट से जानक पड़ो ठीक अच्छे तो मुझे आंसर कहली आम जाचे ग्रेटर द ग्रेटर द ए परसेंटेज एस कैरेक्टर है मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ता माने देख आमर आलकाइन एंदी लिखी है तो ये लिखिली आलकिन ये लिखिली आलकेन ला मुठी लिखिली ता तले हाइब्रिडाइजेशन ला हाइब्रिडाइजेशन ये लिखिली परसेंटेज एस कैरेक्टर हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये जिनस लिखुचे यार हाइब्रिडाइजेशन आलकाइन रे कौन आसे सब एसपी एटी कौन आसे एसपी टू एटी कौन आसव एसपी थ्री कथा है देख दीटा ऑर्बिटल को 100% गोटाक के 50 तो ये एस कैरेक्टर केते परसेंट हो जा 50% तीन टा को 100 गोटाक के 33.3% चारटा को 100 गोटाक के 25 तो जो अधिक एस कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीटा कौन मोर तो ये हो मोस्ट हाईएस्ट मोस्ट कह हाईएस्ट एटा हो मोर एटा हो लिस्ट ताहले जो आम कौन कही ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर इज द अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ये लिखीचे जस्ट है डिपेंड्स अपन ये तो ताहले आम कहीपर न्यू बार अब्जॉर्प्शन ऑर्डर न्यू बार अब्जॉर्प्शन ऑर्डर टा कहार हम एटा आलकेन आलकाइन रे हाईएस्ट एटा हाई एटा लोएस्ट हाँ ना तो सबुठ बेसी हायर रे किए अब्जॉर्प्शन करिबो ना सिक्वेंस टा आमर कौन आसिबो ना आलकाइन्स ग्रेटर देन आलकिन्स ग्रेटर देन आलकेन्स बुझी हेला ना नहीं जिनस क्या विषय कहली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विषय
तो देखिबो यार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कही दूची सो दैट तुम मन में टिके आशा आसीजीव जे मास्टर जहाँ कहला एक्सपेरिमेंट सहित तो मैच कर हाँ मास्टर गोटे कही मन रू कहीदे थो क्या एग्जांपल देख एटा अच्छे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये गोटे आम क्या विषय कथा हो सी एच रेचिंग ए कार्बन हाइड्रोजन छड़ा तो किसी ना आलकेन 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 है हाइड्रोकार्बन गुड़ाक तो कार्बन हाइड्रोजन थे तो यहाँ एमती थी एटी एच है युति न्यू बारटा देख आम जानते यहाँ हाइस्ट आसा पखापाखि आसे 3300 सेंटीमीटर इनवर्स रे है यहाँ आसव यहाँ पखापाखि आसे 3300 बा 3100 रु 3000 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर इनवर्स भितर यहाँ आहरी कमी जाए केतरु केते भितर आसे 3000 रु 2800 सेंटीमीटर भितर है तो ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी टा देख कमी कमी जाए ना ना कमी कमी जाए ना ना अल्काइन रु अल्केन आड़े बुझेला सिमिलरली खाली एतिक कथा नुह खाली एतिक कथा नुह आउ टिके कथा अच्छे जे एमिति सपोज अच्छे ठीक अच्छे आमे जानचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कौन है जीवो? ना आमे जानचे फ्लोरीन रो हाईएस्ट तापर किए आसे ऑक्सीजन तापर किए आसे नाइट्रोजन तापर किए आसे कार्बन एमती रहे जदि मु नेली एक्स एच बॉन्ड तामने कौन कौन हो पार एक्स जगार ये चार्टर गोटे पकेब तामने एफ एच बॉन्ड हेबो और कौन कहिबी ना ओ एच बॉन्ड हब और कौन कहली ना एन एच बॉन्ड हब और कौन कहली ना सी एच बॉन्ड हब ये चारि प्रकार बॉन्ड अच्छे ठीक अच्छे से कहे यांक भितर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है आम जस्ट एवं कथा जे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनुसार ही से कमी कमी जी है तो डायरेक्ट एमती लिखिदि एफ एच तापर कौन लिखि थो एच तापर टे कौन लिखि थो एन एच होपर टे कौन लिखि थो सी एच ठीक अच्छे तो यहाँ अर्डर कौन होटा हूँ तुम अर्डर तुम कह खालीटार केमती आम मानबू ना ता वैल्यू देख एफ एच ऑब्जर्वेशन आस 4138 सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ के 3500 टू 3600 सेंटीमीटर इनवर्स यार के 3000 रु 3100 सेंटीमीटर इनवर्स है यार के 2800 रु 3000 सेंटीमीटर इनवर्स ओके तो एथिरु आमे तीनटा लाइन समरी आकार लिखि दे परबा जे जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस देन आम यहाँ कही पार कि फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेस फोर्स कांस्टेंट के डिक्रीजेस हम फोर्स कांस्टेंट के टा डिक्रीज हेले न्यू बार मैक्सिम बा अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टा डिक्रीजेस हे जाउची डिक्रीजेस बुझी हला ना नाही एति के थिला तमरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जे पाठ केतरा फैक्टर पढ़ले चारटा या पर फैक्टर कौन पढ़िबा इंडक्टिव इफेक्ट आ कौन पढ़िबा रिजोनेंस इफेक्ट आ कौन पढ़िबा ना रिजोनेंस परे डायरेक्ट आमे देखिबा रिंग साइज एति की चालू एति की देखी दे था आज ला